वेलकम स्टूडेंट्स टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व फॉर रियल एक्स, एक्स को कंसिडर करना है रियल नंबर, और ये जो इन इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। इन इक्वेशन है 3 × x − 2 / 5 इज लेस और इक्वल टू 5 × 2 − x / 3। सोल्यूशन हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये यह आएगा 3 × x 3x, 3 × −2 − 6, डिवाइड में है 5, लेस और इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10, 5 × −x − 5x, डिवाइड में क्या है 3 है। जैसे इक्वेशंस में क्रॉस इक्वालिटी के टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहां भी वही होता है, लेकिन यहां सिर्फ दो बार जो है साइन रिवर्सल हो जाता है। एक जब हम नेगेटिव नंबर को ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब भी हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, उस टाइम जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ 3 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव, डायरेक्टली हम क्रॉस कर सकते हैं। दिस विल इम्प्लाई 3 × 3x − 6 इज लेस और इक्वल टू 5 × 10 − 5x। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 × 3 = 9x, 3 × −6 − 18 इज लेस और इक्वल टू 5 × 10 = 50, 5 × −5 = −25x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप के बाद एक्स वाली टर्म्स को एक साइड, जो विदाउट एक्स है उनको एक साइड पे ले आएंगे। यहां से 9x, ये है −25x, इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड, ये बनेगा +25x इज लेस और इक्वल टू, यहां से है 50, और यहां से जो कॉन्स्टेंट टर्म है −18 उसको ट्रांसफर करेंगे, वो आएगा +18। 25 + 9, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 34x इज लेस और इक्वल टू 50 + 18 इज, ये आएगा 68। तो एक पॉजिटिव नंबर यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना होगा, तो या हम डायरेक्टली 34 को ले जा सकते हैं, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, साइन रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। एक्स इज लेस और इक्वल टू 68/34। कैंसिलेशन करेंगे 34 1 34 2, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा लेस और इक्वल टू 2। एक्स वो सारे वैल्यूज लेगा जो 2 या 2 से छोटे होंगे, इसका मतलब क्या है, एक्स विल बिलोंग टू द इंटरवल 2। क्या यहाँ पे 2 इंक्लूड है, इक्वल टू साइन है, 2 इज इंक्लूड, यहाँ पे हम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट अप टू कहाँ तक, −∞ तक। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। थैंक यू।